नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्री बढ़िया दैत में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। दोस्तों तो दोस्तों फिर हाजिर हूँ आज मैं आप सभी किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी जानकारी लेकर। जो जानकारी दोस्तों मैं आज दूंगा वो है बंगाल की निकासी के बारे में जानकारी। बंगाल में दोस्तों निकासी बहुत अच्छी हुई है। लास्ट ईयर से अगर हम कंपेरिजन करें तो लगभग 10% आलू की ज़्यादा निकासी हुई है। किसान के हित में खबर है तो इसकी चर्चाएं ज़्यादा नहीं होंगी, इसलिए मैंने सोचा एक अच्छा सा वीडियो बना के आप सभी किसान भाइयों को बताऊं कि बंगाल की निकासी जो ज़्यादा हुई है उससे क्या फ़र्क पड़ेगा जो भंडारण है कोल्ड स्टोर में आलू है उसके ऊपर। जो दोस्तों और बंगाल की दोस्तों निकासी की रिपोर्ट इसलिए और सटीक आती है क्योंकि यहाँ पर क्या है कि व्यवसायिक समिति और कोल्ड स्टोर एसोसिएशन अलग एक संस्था है, व्यवसायिक समिति एक अलग है। अब व्यवसायिक समिति अपनी रिपोर्ट देती है कितना आलू कोल्ड स्टोरों में बचा है और कोल्ड स्टोर एसोसिएशन वाले अपनी रिपोर्ट देते हैं। रिपोर्टें आती हैं दोस्तों यहाँ पर तरीके से बाकायदा लेटर हेड पर इस बार एक चक्कर बहुत बड़ा पड़ा है। चक्कर ये पड़ा है कि दोस्तों कोल्ड स्टोर एसोसिएशन और व्यवसायिक समिति के जोनों के डाटा हैं वो मैच ही नहीं खा रहे हैं, ना तो अनलोडिंग के खाते हैं ना लोडिंग के खाते हैं। तो 2023 में कोल्ड स्टोर एसोसिएशन ने जो रिपोर्ट दी थी वो भंडारण की वो थी 12,80,00,000 कट्टे की 2023 में, इस साल में, ठीक है। और व्यवसायिक समिति ने जो रिपोर्ट दी थी दोस्तों वो दी थी 13,61,56,594 कट्टे की। तो लगभग कितने कट्टे ज़्यादा हो गए, 12,80,00,000 और 13,61,00,000 में लगभग 80,00,000 कट्टे का अंतर हो गया। तो 80,00,000 कट्टे का अंतर का मेरी बात करो तो 80,00,000 डिवाइडेड बाई 2,00,000 बोरी का एक लमसम कोल्ड स्टोर मान लेते हैं, हो जाता है 2,00,000 बोरी का एवरेज, 2,00,000 से कमी मान लो तो लगभग 40 कोल्ड स्टोरों का माल ज़्यादा बता रहे हैं व्यवसायिक समिति वाले, ठीक है। लगभग 40 कोल्ड स्टोरों का हमारे यहाँ के 40 कोल्ड स्टोर, टूला में लगभग होंगे तो हमारे यहाँ ज़्यादा 20 कोल्ड स्टोर होंगे, तो 20 भी नहीं होंगे मेरे हिसाब से, 20 हो सकते हैं। तो 40 कोल्ड स्टोरों का माल ज़्यादा बता रहे हैं कोल्ड स्टोर एसोसिएशन वालों की रिपोर्ट से व्यवसायिक समिति वाले। अब आइडिया मैं बता रहा हूँ आपको, आप समझते रहना। तो अब आ जाते हैं अनलोडिंग की बात पे दोस्तों। तो अनलोडिंग जो 2023 में जो कोल्ड स्टोर एसोसिएशन रिपोर्ट दे रही है 2023 में 30 सितंबर 2023 तक, तो वो दे रही है 7,50,97,000 कट्टे अनलोड हुए हैं अब तक निकासी। और तो कोल्ड स्टोरों में जो बैलेंस बचा है वो बचा है 5,29,24,00 कट्टे, ठीक है दोस्तों। और जो व्यवसायिक समिति है वो रिपोर्ट दे रही है, जो वो रिपोर्ट दे रही है दोस्तों आपकी जो अनलोडिंग हुई है वो हुई है 7,72,43,506 कट्टे की, ठीक है। तो उनके हिसाब से, व्यवसायिक समिति के हिसाब से आलू कोल्ड स्टोर में बच रहा है 5,79,13,088 बोरा, ठीक है ना। ये है दोस्तों इसकी अनलोडिंग, ठीक है, उनके हिसाब से इतना बच रहा है आलू लगभग अगर दोनों की रिपोर्टों की बात करें तो जो दोनों के बैलेंस में जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है लगभग आपका 60,00,000 कट्टे का, क्योंकि 5,30,00,000 और यहाँ है 5,90,00,000 के आसपास। तो 30 और 60 लगभग आपका, जो मान लो कि 60,00,000 बोरी का अंतर आ रहा है, ठीक है, दोनों के डिफरेंस वही चलता चला आ रहा है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों ट्रेडर्स एसोसिएशन के हिसाब से जो निकासी हुई है परसेंटेज में वो हुई है 56.73% और जो व्यवसायिक समिति के हिसाब से अब तक, और कोल्ड स्टोर एसोसिएशन के हिसाब से जो निकासी हुई है वो हुई है आपकी 58.67%, जो कि दोस्तों 2022 में 30 सितंबर 2022 में जो निकासी थी वो रिपोर्ट थी आपकी 50.74%। तो लगभग अगर कोल्ड स्टोर एसोसिएशन के हिसाब से अगर हम अंतर देखेंगे तो लगभग आपका 9% का लगभग डिफरेंस, 9% ज़्यादा निकासी इस साल हुई है। अभी इस साल अगर बैलेंस की बात करें तो कोल्ड स्टोरों में जो बैलेंस पिछली साल अगर बैलेंस की बात करें तो पिछली साल 30/9/2022 में अब तक जो बैलेंस बच रहा था कोल्ड स्टोरों में, अब 30/9/2022 की अगर लोडिंग की अगर हम बात करें तो लोडिंग थी 12,65,73,106 कट्टे की। 30/9/2022 तक, 30 सितंबर तक, अब तक 2022 में आलू निकल गया था 6,33,78,999 कट्टा। तो वो निकासी होके अब तक जो आलू बैलेंस बच रहा था 2022 में वो था 6,31,94,107 बोरी, जिसकी परसेंटेज बनती है 50.74%। तो अगर इस साल अगर हम ट्रेडर्स एसोसिएशन की बात करते हैं तो ट्रेडर्स एसोसिएशन का जो बैलेंस बच रहा है आलू का उनके हिसाब से वो बच रहा है 5,00,000
एक वो सॉरी फाइव वो पाँच करोड़ और 5,89,13,088 कट्टा दोस्तों बच रहा है, मतलब व्यवसायिक समिति के हिसाब से इतना बच रहा था। तो इस साल दोस्तों अगर पिछली साल से इसका कंपैरिजन करते हैं तो पिछली साल आलू बच रहा था 6,31,94,107 बोरी, तो 6,31,94,107 बोरी में से व्यवसायिक समिति की जो रिपोर्ट बैलेंस की इस साल की आई है उसे डिवाइड करते हैं तो कितना डिफरेंस है, 6,31,94,107 बोरी माइनस कर देते हैं इसमें से हम 5,89,13,088, तो लगभग लगभग इस साल कट्टा जो निकला है वो ज़्यादा निकला है आपका, अरे हाँ 42,81,019 कट्टे ज़्यादा निकले हैं दोस्तों लास्ट ईयर से। ठीक है, ये है रिपोर्ट आपकी व्यवसायिक समिति के हिसाब से, तो इसका लिख लेते हैं, इसको निकलते हैं 42,81,019 कट्टा ज़्यादा निकल गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो कोल्ड स्टोर एसोसिएशन है उसके हिसाब से। वैसे तो दोस्तों एक रिपोर्ट होनी चाहिए, जो सटीकता है वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा रहेगी कोल्ड स्टोर वालों के पास। कोल्ड स्टोर में आलू भंडारण है वो अपनी अपन रिपोर्ट दे रहे हैं तो वो अपनी भंडारण की भी एकदम सही रिपोर्ट दी होगी उन्होंने और निकासी की भी रिपोर्ट सही दी है। अब व्यवसायिक समिति तो हो सकता है कि झोल कर दे रिपोर्ट में, भाई वो व्यापार हित के हिसाब से रिपोर्ट अपनी दे दे, किसानों को डराने के लिए ज़्यादा आलू बता दिया जाए, ये भी तो हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ के आगरा साइड के इधर के कोल्ड स्टोर वाले हैं वो ज़्यादातर दोस्तों रिपोर्ट निकासी की सही देते ही नहीं है किसी को। ठीक है, तो अगर हम उसके हिसाब से बात करें तो पिछली साल आलू था 6,31,94,107 बोरी। ठीक है, उसमें से और लास्ट ईयर अगर कोल्ड स्टोर एसोसिएशन के हिसाब से बात करें तो आलू बच रहा था 5,29,24,000 कट्टे, माइनस कर देते हैं 5,29,02,400, तो आलू बच रहा था दोस्तों लगभग लगभग अंतर है एक लगभग पिछली साल में और अब की निकासी में 1,91,707 कट्टे का डिफरेंस चल रहा है दोस्तों। अब आप समझेंगे, मतलब इस साल अगर कोल्ड स्टोर एसोसिएशन की निकासी को अगर हम सही मान लेते हैं रिपोर्ट को तो लास्ट ईयर जो निकासी थी उससे लगभग लगभग आपका 1 करोड़ कट्टा ज़्यादा निकल गया है, निकासी हुई है 1 करोड़ कट्टे की ज़्यादा की। इस समय जो बैलेंस बच रहा है दोस्तों कोल्ड स्टोर एसोसिएशन के हिसाब से जो कि अपनी रिपोर्ट एकदम सही बता रहे हैं 5,29,24,000 कट्टा और पिछली साल बच रहा था 6,31,94,107 बोरी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सब लोगों को दिमाग में ये रिपोर्ट आई होंगी जितनी जो मैंने बताई हैं जानकारियाँ, और जे मैंने सामने डॉक्यूमेंट लगा दिए, बगल में मैं साथ की साथ एसोसिएशन वाली भी बगल में लगा दूंगा, आप पीछे शुरुआत में आप लोग देख लेना कोल्ड स्टोर एसोसिएशन की जो इस साल की रिपोर्ट है वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा बता दूंगा दोस्तों। ठीक है, और लास्ट ईयर वाली रिपोर्ट है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, ये है दोस्तों जानकारी पूरी आप सभी किसान भाइयों के लिए। अगर जानकारी में कोई कमी रह गई हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे या कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हैं तो मैं उसका सुधार करके आप लोगों को कमेंट में ही जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना। धन्यवाद मेरे किसान साथियों, आप सभी किसान भाइयों का दिन शुभ हो। और सबसे बड़ी बात, अगर निकासी ज़्यादा होती है तो दोस्तों शुभ संकेत होते हैं। अगर यूपी की निकासी के बारे में लोगों ने बहुत कुछ कही, यूपी की निकासी की रिपोर्ट बहुतों ने दे दी, हम भी दे देंगे, पर दोस्तों बंगाल की जो ऑफिशियल रिपोर्ट आई है इस हिसाब से बंगाल में लास्ट ईयर से 1 करोड़ कट्टा ज़्यादा निकल गया, 1 करोड़ से ज़्यादा कट्टा। ठीक है, अब आप आइडिया लगा लेना 1 करोड़ कट्टा कितने कोल्ड स्टोर भर देगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना।